हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईद आने वाली है, तो आज की रेसिपी उन लोगों के लिए है जो नॉनवेज लवर्स हैं या जो ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो आज की रेसिपी है चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ईजी वे से हम बनाने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। सिर्फ 30 मिनट में आपकी चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी, बहुत ही लजीज, बहुत ही स्वादिष्ट। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और लास्ट तक वीडियो देखें। और रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो इसलिए मैं आगे रक्षाबंधन पर भी एक रेसिपी पोस्ट करूंगी स्वीट की। तो जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी बिरयानी बनाने के लिए। तो ये हमने 7 से 8 लौंग ली हैं, ये एक हरी मिर्च ली है बारीक काट ली है, ये 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, ये 4 से 5 तेज पत्ते लिए हैं, ये एक जावित्री लिया है, ये 15 से 20 के करीब काली मिर्च ली है, ये 4 से 5 हरी इलायची ली है, ये एक हमने बड़ी इलायची ली है और ये 2 चम्मच के करीब जीरा लिया है। ये हमने 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, ये हरा धनिया बारीक काट के ले लिया है, ये पुदीना बारीक काट के ले लिया है। ये हमने प्याज को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है, ये 2 प्याज हैं, 1 कटोरी दही लिया है, ये हमने फूड कलर लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह केसर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच बिरयानी मसाला लिया है, 1 नींबू लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला लिया है। हमने 750 ग्राम के करीब चिकन लिया है और ये सेम क्वांटिटी में चावल लिए हैं, ये भी 750 ग्राम है और ऑयल लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कुकर को गैस पर रख दिया है, अब हम इसमें सबसे पहले ऑयल डालेंगे। तो हम इसमें ऑयल डालेंगे, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है हमने। ऑयल थोड़ा सा हम ज़्यादा ही डालेंगे, लगभग 1 छोटी कटोरी के करीब हमने ऑयल डाला है इसमें। अब जब ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छे से तब हम इसमें प्याज डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब ये जो हमने प्याज काट के रखा था ये सब इसमें डाल देंगे और इसको डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें आधा प्याज निकाल लेंगे और आधा इसी में पड़ा रहने देंगे। आधा प्याज जो हम निकालेंगे वो तेल सहित निकालेंगे, तो थोड़ा तेल भी प्याज के साथ निकाल लेंगे। पीसेस डालेंगे, इनको प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इस चिकन के साथ हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये जो सारे खड़े गरम मसाले हमने लिए थे साबुत ये सारे इसमें जाएंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये आधा प्याज हमने निकाल लिया था तेल के सहित। अब इसको हमको 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए लगातार फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। हमको चिकन को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, ये जो हमने प्लेट में निकाल कर रखे थे सारे सूखे मसाले इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। मसाले चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दही और इस दही को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें चिकन को लगातार चलाते हुए मिक्स करना है और तब तक इसको पकाना है जब तक कि दही का कच्चापन ना दूर हो जाए और दही इस ग्रेवी में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। जब तक ये चिकन हमारा हल्का पक रहा है तब तक हम चावल को बॉयल कर लेते हैं। इसके लिए हमने भगोने में पानी रखा है, आधे भगोने के करीब। अब जब ये पानी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें चावल डालेंगे। तब तक हमें इसमें डालना है 1 चम्मच के करीब नमक, आधे नींबू का रस, और साथ में ही 1 चम्मच ऑयल। पानी गरम हो गया है, अब ये हमने बासमती राइस लिए हैं, 1 घंटे पहले भिगो दिया था, इनका पानी निकाल दिया है। तो हम ये राइस इसमें डालेंगे और इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ टाइम देख के 3 मिनट ही इन्हें पकाना है। ये देखिए पानी में उबाल भी आने लगा है और पकाते हुए हमें 3 मिनट हो गए हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए चावल, और चावल को पानी से अलग कर देंगे। ये देखिए हमने चावल को पानी से निकाल लिया है, ये मुश्किल से 20% पके हैं। अब हम इन चावलों को इसमें डाल देंगे ये देखिए हमने सारे चावल इस चिकन के ऊपर डाल लिए हैं। ये देखिए, तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपना जो बचा के हमने रखा था पुदीने की पत्तियाँ और धनिया की पत्तियाँ, साथ में ही जो भुना हुआ प्याज हमने अलग रखा था वो डाल देंगे, और उसके साथ जो तेल हमने निकाला था एक्स्ट्रा वो इसी में डाल देंगे। इस तेल का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, तो हमारी बिरयानी में एक अलग फ्लेवर आएगा। और ये जो हमने रेड फूड कलर रखा था, आपके पास अगर केसर घर पर अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ हम आधी गिलास के करीब जो चावल से निकला हुआ गर्म पानी था वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे, लगभग 2 सीटी आने तक प्रेशर कुक कर लेंगे। ये देखिए हमारी 3 सीटी आ चुकी हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्रेशर को अपने आप से ही निकलने देंगे, हमें इसको ज़बरदस्ती नहीं निकालना है। प्रेशर निकल गया है, तो अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे हमारी बिरयानी कैसी पकी है। ये देखिए चावल बहुत ही अच्छा पका है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, आपको मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन भी कितना अच्छा गला हुआ है और हमारी बिरयानी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। ये देखिए हमारी चिकन बिरयानी बनकर तैयार है। अब हम इसके ऊपर जो हमने ब्राउन ऑनियन बचा कर रखा था थोड़ा सा, वो डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। यकीन मानिए आप अगर इस प्रोसेस से एक बार बनाएंगे तो आप बार बार इसी प्रोसेस से बनाकर खाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। सिर्फ आधा घंटे में बनकर हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। तो मैं तो इसको दही प्याज के साथ खाने वाली हूँ, आप इसको किसी भी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको हर आने वाली मेरी नई रेसिपी के अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और मेरी रेसिपी ट्राई करते रहें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स।